हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पान फज। उसके लिए मैंने ये 100 ग्राम मिल्क पाउडर ले लिया है और ये मैंने दो पान के मीठे पान के पत्ते ग्राइंडर में डाल दिया है और इसी के साथ मैं दूध पाउडर डाल दूंगी और इसको अच्छे से बारीक पाउडर बना दूंगी। इसका एकदम बारीक पाउडर बना लिया है और ये मैंने एक कटोरी चीनी ले ली है। अब मैं इसका शुगर सिरप बनाऊंगी एक तार का। ये चीनी हम इसमें डाल देंगे, पैन में डाल देंगे और जितनी चीनी डूबे बस उतना ही पानी डालना है बस। और इसको एक तार की शुगर सिरप बना लूँगी। ये हम चेक कर लेंगे शुगर सिरप एक तार की हुई या नहीं। हाँ, लगभग एक तार की हो गई है। अब फ्लेम को हम लो कर देंगे और मैं ये मिक्सचर जो मैंने दूध पाउडर और पान का बनाया है ये मैं इसमें डाल दूँगी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें लम्स ना रहे। ये सारा मिक्स कर लिया है मैंने, फ्लेम लो ही है हमारी अभी तक। अब फ्रेंड्स ये देखिए ये जगह छोड़ने लग गया है। अब ये हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको अब फ्लेम से उतार के हम थोड़ी देर तक अच्छे से फेंटेंगे ताकि इसमें शाइनिंग आ जाए। ये मैं इसमें थोड़ी सी टूटी फ्रूटी मिला दूंगी और इनको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसमें मैंने कोई कलर, आर्टिफिशियल कलर या फ्लेवर नहीं डाला है। ये सिर्फ मैंने पान से और टूटी फ्रूटी से ही बनी है। ये मैंने मोल्ड ग्रीस करके रखा है, इसमें बटर पेपर लगा लिया और उसको भी ग्रीस कर लिया है। अब मैं ये फज उसमें सेट करने के लिए डाल दूंगी। ये मैंने मोल्ड में डाल लिया है। अब इसको टैप करते हुए अच्छे से सेट कर लेंगे ताकि इसके ये बबल्स बाहर निकल जाए। तो अब ये हमारा फज तैयार है। ये ठंडा होने से पहले ही सेट हो गया है क्योंकि हमारी शुगर सिरप बराबर एक तार की बनी थी। तो मैं आपको काट के दिखाती हूँ फज। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है। मैंने इसमें कोई चॉकलेट कंपाउंड या कंडेंस्ड मिल्क नहीं मिलाया है और ना ही कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर या कलर मिलाया है। ये देखिए ये कितना सॉफ्ट हमारा फज बना है। ये देखिए, देख सकते हैं। बस तो आप भी ऐसे इजी वे में घर पे पान फज बनाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू।